मैं एक वाकया आपको सुनाता हूं जो खुद मेरे साथ पेश आया। मेरे पास कई साल पहले की बात है, जर्मनी से एक साहब का मेरे पास खत आया और उन्होंने अपना हाल ये लिखा कि मैं पाकिस्तान में था और वहाँ से फिर मैं रोज़गार की तलाश में जर्मनी आ गया। जर्मनी जब आया था तो उस वक्त दीन का कोई एहसास मेरे दिल में नहीं था, दीन की कोई फिक्र मेरे दिल में नहीं थी। मैं सिर्फ दुनिया कमाने के लिए यहाँ पर आ गया था, तो ना अपने दीन की कुछ खबर थी, ना मालूमात थी, ना उस पर अमल था। लेकिन यहाँ पर रहते रहते मैंने एक क्रिश्चियन लड़की से मेरे ताल्लुकात हो गए और फिर मैंने उससे शादी कर ली। शादी के बाद भी कोई दिन की तरफ रगबत पैदा नहीं हुई, कोई एहसास पैदा नहीं हुआ। लेकिन जब औलाद हो गई और औलाद ज़रा नशोनमा पाने लगी, ज़रा सी वो समझदार होने लगी, तो उस वक्त मैंने देखा कि मेरी क्रिश्चियन बीवी वो औलाद को क्रिश्चियनिटी पढ़ा रही है और क्रिश्चियनिटी की तालीम दे रही है। तो उस वक्त मेरे दिल का अंदर का सोया हुआ मुसलमान जागा कि ये मेरी औलाद है और ये क्रिश्चियन बनने जा रही है, मेरी बीवी इसको क्रिश्चियनिटी पढ़ा रही है। तो मैंने अपनी बीवी से कहा कि तुम इसको ये क्रिश्चियनिटी मत पढ़ाओ। बीवी ने कहा मैं क्यों ना पढ़ाऊं, ये मेरी भी औलाद है और मैं इसको हक समझती हूँ, तो अपनी औलाद को भी वैसे ही बनाना चाहती हूँ। मैंने कहा नहीं, क्रिश्चियनिटी हक नहीं है, इस्लाम बरहक है। उसने कहा मुझे साबित करो कि क्यों बरहक है इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में क्या खराबी है। तो मेरे पास इल्म तो था नहीं, मैं मुझे अपने दीन का भी पता नहीं था, क्रिश्चियनिटी का भी पता नहीं था, लिहाजा जब वो बात करती तो मैं उसका जवाब देने के लिए की पोजीशन में नहीं था, उसके सवालात का जवाब नहीं दे सकता था, उसके एतराजात का जवाब नहीं दे सकता था। तो मैं इस मुश्किल में हूं कि मेरी औलाद वो मेरी बीवी की तालीम और तरबियत के नतीजे में क्रिश्चियन बनने जा रही है और मेरे दिल पर आरे चल रहे हैं, मैं कुछ कर नहीं सकता, तो आप मुझे कोई तरीका बताइए। ये खत मेरे पास आया तो मैंने अल्लाह तबारक तआला से दुआ की कि अल्लाह कोई ऐसी तदबीर दिल में डाल दीजिए कि जिससे इस बेचारे मुसलमान की मुश्किल हल हो। तो मैंने उसको लिखा कि एक तो मेरी किताब है व्हाट इज क्रिश्चियनिटी के नाम से, जिसमें क्रिश्चियनिटी के बारे में तफसील है, तो वो किताब मैंने भेजी और साथ में उससे कहा कि आप अपनी बीवी से बहस करना बंद कर दें, क्योंकि बहस करने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा, आपको खुद मालूमात नहीं है और बहस करने से वैसे भी फ़ायदा नहीं होता। जब बहस मुबासा शुरू होता है तो हर एक आदमी चाहता है दूसरे को जेर कर दे, उससे कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता, तो आप बहस करना तो बंद कर दें। अलबत्ता उनको दो बातों पर आमादा कर लें, एक बात तो ये कि उनसे ये कहें कि भाई खुदा को तुम भी मानती हो और मैं भी मानता हूँ, और ये भी मानती हो कि खुदा से दुआ की जाती है, तो आओ हम दोनों बैठकर ये दुआ करें, इकट्ठे बैठकर ये दुआ करें कि या अल्लाह अगर इस्लाम बरहक है तो हमारा सीना इस्लाम के लिए खोल दीजिए, उस पर अमल की तौफीक अता फरमाइए, और अगर क्रिश्चियनिटी बरहक है तो फिर क्रिश्चियनिटी के ऊपर हमारा दिल को मुतमईन कर दीजिए। दोनों मिलकर ये दुआ किया करें, एक तो इस बात पर उसको आमादा करें, दूसरे इस बात पर आमादा करें मैं किताब भेज रहा हूं कि वो किताब का मुताला कर लें। मैंने ये लिख तो दिया, अल्लाह ताला से दुआ भी की कि अल्लाह मैंने लिख तो दिया है, इसको मौसर मुफीद बना दीजिए। कुछ अरसे के बाद उस साथी का खत आया, उसने लिखा कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बीवी ने आपकी दोनों बातें तो मान ली हैं और कहा कि ये दुआ भी करूँगी और ये किताब भी पढ़ूंगी, लेकिन अभी कोई फर्क नहीं आया, मामला जूं का तू है। तो मैंने फिर उनको खत लिखा कि आप घबराएं नहीं और इस अमल को जारी रखें, दुआ करते रहें, तो घबराएं नहीं। उसके कुछ अरसे के बाद उनका खत आया मेरे पास, उसमें उन्होंने लिखा कि अजीब व गरीब वाकया हो गया,
वो ये कि मैं, मेरी बीवी वो किसी जगह कोई डिग्री कोर्स कर रही थी, उस सिलसिले में यूनिवर्सिटी गई और यूनिवर्सिटी से वापस आते हुए वो, हम दोनों वापस आ रहे थे, वो गाड़ी ड्राइव कर रही थी, मैं उसके बराबर में बैठा हुआ था। तो अचानक उसने गाड़ी एक जगह रोक कर और उसने अपना सर स्टीयरिंग के ऊपर झुका लिया और बेतहाशा रोने लगी। मैं समझा कि खुदा ना करे इसके ऊपर कोई दिल का दौरा पड़ा है या कोई तकलीफ हुई है, तो मैं परेशान हुआ। मैंने पूछा क्या बात है, तो रोते रोते उससे बोला नहीं जा रहा था। बमुश्किल जब मैंने बार बार पूछा तो उसने एक जुमला कहा कि मैं और कोई तकलीफ नहीं है, बस मुझे तुम मुसलमान बना, इस्लाम मैं कबूल करना चाहती। कहते मुझे अपने कानों पर एतबार नहीं आया कि ये वही औरत है कि जो इतनी शिद्दत के साथ मुझसे बहस किया करती थी, और अब ये कह रही है कि मैंने क्या कहा। तो बार बार मैंने उसे पूछा तो उसने कहा कि नहीं, मैं सच कह रही हूँ कि मुझे मुसलमान होना है, तो मुझे कहीं ले जाकर मुझे मुसलमान बना। मैं फिर उसको फौरन इस्लामी सेंटर में ले गया, वहाँ जाके उसने कलमे शहादत पढ़ा, मुसलमान हुई। और उसने खत में लिखा था कि ये इत्तेफाक से ये दिन रमज़ान का था और आज पहला मौका है कि हम दोनों ने सहरी में उठकर हम दोनों ने इकट्ठा रोज़ा रखा है और आपको ख़त लिख रहे हैं, और दूसरा ख़त मेरी बीवी की तरफ से है। तो दूसरा ख़त उसके साथ था, उसकी बीवी की तरफ से, और उसने मुझे लिखा था कि मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे एक ऐसा तरीका बताया जिसके ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे हिदायत अता फरमाई। तो ये मेरी आँख मेरे खुद अपने साथ पेश आया हुआ वाकया है। अल्लाह ताला से अगर हिदायत मांगी जाती है वो दुआ रद्द नहीं होती। यानी बहुत सी दुआएं जो हम दुनिया के लिए मांगते हैं कि या अल्लाह हमारा रोजगार लग जाए, हमारी दौलत में इजाफा हो जाए, उसमें जरूरी नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला वही चीज दे दें जो आपने मांगी है। इसलिए कि बाज़ औक़ात अल्लाह ताला के इल्म में होता है कि ये चीज इसको देंगे तो इसके लिए नुकसानदेह होगी, कोई और चीज दे देते हैं, उससे अच्छी चीज दे देते हैं। बाद मरतबा आदमी मांगता है कि मुझे मेरी दौलत में इजाफा हो जाए, लेकिन अल्लाह ताला जानते हैं कि इसकी दौलत में इजाफा होगा तो पता नहीं ये किस वादी में जाके गिरेगा, लिहाजा वो नहीं देते उसको, लेकिन दुआ का सवाब उसको दे देते हैं। इसी तरीके से बाज़ औक़ात दुनिया की के बारे में अगर ये हो कि भाई अल्लाह मियाँ मुझे मोहसन फर्ज करो कि बीमार है तो शिफा मिल जाए, तो बीमारी के अंदर बाज़ औक़ात अल्लाह ताला जानते हैं कि इसका बीमार रहना ही इसके हक में ज़्यादा फ़ायदा मंद है, तो वो बयान ही वो चीज़ नहीं देते लेकिन उससे अच्छी चीज़ अता फरमा देते हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला की सुन्नत है दुनियावी चीज़ों के बारे में। लेकिन अगर कोई हिदायत मांगे सच्चे दिल से, या अल्लाह मुझे हिदायत दे दे, या अल्लाह मुझे सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक दे दे, या अल्लाह मेरी औलाद को सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक दे दे, तो ये दुआ रद्द नहीं होती और ये दुआ जरूर कबूल होती है, बशर्ते के मांगने वाला हो सच्चे दिल से मांगे, खुशू के साथ मांगे, अल्लाह ताला से मांगने के अंदाज में मांगे, तो अल्लाह तबारक व तआला वो दुआ रद्द नहीं फरमाती। बल्कि मेरे शेख हज़रत आरिफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि अपने अल्लाह मियाँ से जब कोई मांगो तो मचल कर मांगा करो, यानी अल्लाह अपने अल्लाह मियाँ से बातें किया करो, कह दिया करो या अल्लाह या तो मुझे हिदायत दे दीजिए वरना आखिरत में मुझसे मुआखज़ा ना फरमाइएगा, या तो मुझे हिदायत दे दीजिए गुनाहों से बचा लीजिए अपनी नाफरमानियों से बचा लीजिए, या फिर आखिरत में मेरी गिरफ्त ना फरमाइएगा। तो बंदा जब इस तरह मांगता है तो अल्लाह तबारक व तआला जरूर अता फरमाते, हिदायत मिलती है, और साथ साथ ये कि वहां पर आपके लिए एक उज्र हो जाता है कि या अल्लाह मैंने तो आपसे मांगा था और कहा था कि मुझे हिदायत दे दीजिए, मेरे गुनाह छुड़वा दीजिए मसलन। तो आदमी अपनी सी कोशिश करे और बाकी काम के लिए दुआ करे, सिर्फ दुआ भी काफी नहीं होती, अपनी सी कोशिश भी जरूरी है। जैसे मैंने वो ये मिसाल दी थी तो मैंने साथ में उसको किताब भी दी थी, ऐसा नहीं कि सिर्फ दुआ ही पर इक्तफा करे बल्कि थोड़ा सा तलब उसके अंदर पैदा हो, कि तलब भी हो, तलब हो
और उस तलब के लिए कोई अमली अकदाम अपना सा करे, उसके बाद अल्लाह ताला से मांगे तो अल्लाह ताला रद्द नहीं फरमाते। हजरत माना रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मसनवी वाले माना रूमी फरमाते हैं कि देखो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक्य देखो कि उनको जब जुलैखा ने वरगलाया गुनाह के ऊपर आमादा करने की कोशिश की, तो कुरान करीम में है कि उससे पहले उसने सारे दरवाजों पर ताले डाल दिए, गल्लकतिल अबवाब, सारे दरवाजों पर ताले डाल दिए, और फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बहकाया वरगलाया। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम आंखों से देख रहे थे कि सामने दरवाजों पर ताले पड़े हुए हैं, निकलने का रास्ता नहीं है, लेकिन उन्होंने ये सोचा कि मेरे बस में इतना है कि दरवाजे तक चला जाऊं, भाग कर, तो भाग गए, दरवाजे तक पहुंच गए और वहां जाके मांगा अल्लाह ताला से कि या अल्लाह यहां तक पहुंचना तो मेरा काम था, आगे दरवाजे से बाहर निकालना और इस गुनाह से मुझे बचाना आपका काम है। तो नतीजा यह हुआ कि दरवाजे के ताले टूट गए और दाखिल। तो मौलाना रूमी फरमाते हैं कि गरचे रखना नीस आलम रापदीन खीरा यूसुफ वार भी बायत दवीन, अगर से तुम्हें इस दुनिया के अंदर तुम्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, रास्ता नजर नहीं आ रहा गुनाहों से बचने का, अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी से बचने का, माहौल ऐसा है उससे निकलने का रास्ता नजर नहीं आया, लेकिन खीरा यूसुफ वार भी बायत दवीन, जिस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम दरवाजे अपने हद तक जितना कर सकते थे उसके लिए दरवाजे तक दौड़ गए, इस तरह तुम भी दौड़ जाओ और फिर अल्लाह तबारक व तआला से मांगो तो अल्लाह तबारक व तआला इंशाल्लाह रद्द नहीं फरमाएंगे। इसलिए मैं अर्ज करता हूँ कि अपने मामूलात में, रोज़मर्रा के मामूलात में ये बात शामिल करें कि रात को सोने से पहले अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अपनी भी और अपनी औलाद की भी, अपने घर वालों की भी हिदायत की दुआ फरमाएं। अल्लाह या अल्लाह अपने रहमत से हम चाहते हैं कि ऐसा करें, अपनी तरफ से कोशिश भी कर रहे हैं, या अल्लाह अपने फजल व करम से अपने रहमत से इस कोशिश को कामयाब बना दीजिए और हमारे दिलों को फेर दीजिए। कुरान करीम हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ तलकीन फरमाई, या मुसर्रिफुल कुलूब सर्रिफ कुलूबना आला ताहा, ए वो जात जो दिलों को फेरने वाली है, ए अल्लाह हमारे दिलों को अपनी ताअत की तरफ फेर दीजिए, अपनी इताअत की तरफ फेर दीजिए। ये दुआ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलकीन फरमाई। तो ये दुआ हर रोज बंदा मांगे अल्लाह तबारक व तआला से, इंशाल्लाह रद्द नहीं होगी, इंशाल्लाह जरूर कामयाबी होगी। अपनी तरफ से कोशिश जारी रहे और साथ साथ अल्लाह ताला से मांगते रहे, इंशाल्लाह ये कोशिश कभी रायगा नहीं जाएगी, अल्लाह तबारक व तआला इसको जरूर कबूल फरमाएंगे।